सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल किंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैंने आज एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा है। तो दोस्तों, आप भी कभी ना कभी जरूर कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते होंगे। तो दोस्तों, फ़ोन खरीदने के बाद हम सब लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो क्या, जो है फ़ोन के सेफ्टी के बारे में। कि भैया, एक नया फ़ोन खरीद लिया हूँ, अब तो इस फ़ोन को सेफ्टी रखना पड़ेगा, इसको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं, जाकर ए से लेकर जाकर जे प्ले स्टोर पे जाकर ए से लेकर जेड तक जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है सबको जाकर सर्च करते हैं और देखते हैं कौन है मेरे फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट एंटीवायरस, उसको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं। किसी ना किसी एक को इंस्टॉल करते ही हैं। दोस्तों, हम लोग का ये एंटीवायरस फ़ोन, ये फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है, इस फ़ोन में क्या एंटीवायरस का ज़रूरत है, ज़रूरत है क्या, ज़रूरत नहीं है, इस बारे में आप लोग बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, तो आप जान जाइएगा कि एंड्रॉयड फोन पर एंटीवायरस की जरूरत है कि नहीं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड फोन खरीदते ही हम लोग के दिमाग में ख्याल आता है कि फोन के सेफ्टी के बारे में, कि फोन में एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है। दोस्तों देखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को विंडोज कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हैं, जो सबसे बड़ा गलती है। दोस्तों, हम लोग का जो एंड्रॉयड फ़ोन है ये लुमिक्स टर्नल के ऊपर बेस है, जिसको किसी भी तरह का एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी एंटीवायरस को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके रखा है, तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको सब अनइंस्टॉल कर दीजिए। सबसे बड़ा कदम यही होगा आप लोगों का, कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देने का, एंटीवायरस ऐप को। दोस्तों, प्ले स्टोर पर अगर आप जाइएगा तो आपको बहुत सारा एंटीवायरस का ऐप मिल जाएगा, जो सब के सब बेकार है, किसी भी काम का नहीं। आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कोई भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ़ोन है वो खुद ही एक सबसे बड़ा एंटीवायरस है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स को अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो आप सबसे बेस्ट एंटीवायरस बन जाएंगे आप अपने फ़ोन के लिए खुद, और आप अपने फ़ोन को लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे बिना प्रॉब्लम। दोस्तों देखिए, पहला टिप ये रहा कि दोस्तों, जब आप कोई ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर पाए, क्योंकि देखिए प्ले स्टोर पर जो ऐप मिलता है वो 100% वेरीफाई ऐप होता है, तो क्या वो आपके फ़ोन को कोई डैमेज नहीं करेगा। और अगर आपका फ़ोन डैमेज होता है तो एक ही कारण है, वो है ऐप्स से। तो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, जब भी कोई ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि वो प्ले स्टोर से ही लिया हुआ हो, तो क्या फ़ोन के लिए सेफ्टी है, ये कीजिएगा। और दूसरा काम जो है, जो नहीं कीजिएगा कभी किसी और दूसरा स्टेप ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐप आप ढूंढ रहे हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा किसी पॉपुलर या रेपुटेटेड वेबसाइट से ही जाकर उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि देखिए पॉपुलर रेपुटेड जो ऐप रेपुटेड वेबसाइट जो है वहीं पर जो है रियल ऐप वो मिलेगा आपको, अदरवाइज जहाँ पर भी आपको मिलेगा तो वो क्या फेक होगा ज़्यादातर। अब देखिए, फेक ऐप जो है हम लोग ये कीजिएगा वहाँ से। अब देखिए, अब जो ये जो फेक ऐप होता है ये हम लोग के फ़ोन को डैमेज कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फेक ऐप है, आसान शब्द में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो मान लीजिए आपने एक टॉर्च का ऐप को इंस्टॉल किया, जिसका काम क्या है, आपका फ़ोन का टॉर्च को ऑन करने का। तो वो दो चीज़ का परमिशन ले सकता है, एक जो है कैमरा का और दूसरा जो है आपके फ्लैश लाइट का। और अदरवाइज किसी भी चीज़ का अगर परमिशन मांगा तो मानिए कि वो गलत मांग रहा है। मान लीजिए उसने फ़ोन का परमिशन मांगा, SMS का परमिशन मांगा, GPS का परमिशन मांगा, तो ये चीज़ जो है ये गलत है। यही पर जो है आपका फ़ोन जो है डैमेज होता है, आपका फाइल जो है करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो है, यही है फेक ऐप, फेक ऐप यहीं पर पहचाना जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा किसी भी ऐप को अगर लेते हैं तो पॉपुलर साइट से या फिर प्ले स्टोर से। तो देखिए, ये जो दो फेक ऐप है ये आपके फ़ोन पे गलत परमिशंस को लेकर आपके फ़ोन को हैक कर देते हैं, और हैक करने से क्या होता है, आपका जो फ़ोन पर जब नेट कीजिएगा तब वही ऐप जो है आपके फ़ोन के अंदर वायरस को एंटर कराएगा और आपके फाइल को जो है वो करप्ट कर देगा। और देखिएगा, जब आप फ़ोन को नेट ऑन कीजिएगा तो फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर देखिएगा बड़ा सा ऐड आ गया, जिसको आप चाह कर भी हटा नहीं सकते। तो आप एक ही काम कर सकते हैं, तब आप अपने फ़ोन को उसके केयर पर ले जाएंगे, केयर पर ले जाने के बाद वो सॉफ्टवेयर को चेंज करेगा, वही करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा किसी भी
अननोन वेबसाइट से जाकर किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करने का। और मान लीजिए अगर आपने गलती से इंस्टॉल कर भी लिया तो उस ऐप को इंस्टॉल मत कीजिएगा। इंस्टॉल करने से ही प्रॉब्लम चालू होते हैं, आपके परमिशन मांगेगा, वहीं पर प्रॉब्लम होता है। उसको आसानी से डिलीट कर दीजिए तो कहानी खत्म, ठीक है। और दोस्तों दूसरा बात यह है, तीसरा बात यह है, आप अपने फोन को रूट मत कीजिए। अगर आपको बहुत जरूरी है तो ही रूट कीजिए, और अगर बहुत जरूरी नहीं है तो रूट मत कीजिए। क्योंकि रूट करने से क्या होता है, देखिए आपका जो फोन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पर चला जाता है। देखिए रूट करने से वायरस तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, आपका फोन का जो है वो एक लॉन्ग टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा, थोड़ा वीक हो जाता है उसका जो वेबसाइट है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसके लिए उसको रूट अगर ना करें तो ही अच्छा है, यूं यूज कीजिए, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा। और देखिएगा बहुत सारे वेबसाइट पर हम जब रूट में घुसते हैं, एंटर करते हैं, देखिए आपका फोन के ऊपर बोलेगा कि योर फोन माइट एट बी रिस्क, वार्निंग, वायरस स्कैनिंग, फोन स्कैनिंग, ये स्कैन वो स्कैन, बोलता है कि आपके फोन को स्कैन करो, ये करो वो करो, ये कुछ भी मत कीजिएगा। ये सब के सब बेकार फालतू के टाइम वेस्ट है, आपके फोन को डैमेज करेंगे। चुपचाप साइट से निकल जाइए, कहानी खत्म। और दोस्तों आप लोगों का ये सवाल जरूर होगा कि भैया जब आप बोल रहे हैं कि कोई भी एंटीवायरस नहीं जरूरी है तो प्ले स्टोर पर इतने सारे एंटीवायरस क्यों है। देखिए दोस्तों ये जो प्ले स्टोर पर जो एंटीवायरस है ये सब अपने फायदे के लिए ढूंढते हैं। तो इन लोग का फायदा देखिए कैसे होता है। देखिए किसी भी एंटीवायरस ऐप को अगर आप इंस्टॉल कीजिएगा तो देखिएगा जब आप उसको स्क्रोल इंस्टॉल करके ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद देखिएगा वो अननोन सोर्स को ऑन करने को बोलेगा। अगर आपने ऑन कर दिया तो परमिशन के लिए मांगेगा, परमिशन भी कर दिया तो देखिए उसके अंदर अगर जाकर स्क्रोल डाउन कीजिएगा देखिएगा बहुत सारा कंपनी का एड दे रहा है, ऊपर नीचे साइड है बहुत सारा एड देगा। तो वो जो एंटीवायरस कंपनी है वो उस एड से ही पैसा बनाता है, ठीक है। उस ऐप पर बहुत सारे व्यूअर्स क्या होता है उस ऐप को देखते हैं, फिर क्लिक करके उस शॉपिंग पर जाकर शॉपिंग करते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्या वो लोग उसी से पैसे बनाते हैं। आपके काम तो नहीं आते, वो अपना काम खुद करते हैं। और देखिएगा एंटीवायरस जो होते हैं वो गलत परमिशन मांगते हैं, ये डाटा का परमिशन मांगते हैं, फोन का, SMS का, GPS का, तो क्या आपके फोन को हैक करके वो अपना ऐप को शो करते हैं, आपके फाइल को करप्ट कर देते हैं। तो इसीलिए कोई भी एंटीवायरस को इंस्टॉल मत कीजिएगा। और देखिएगा इंस्टॉल करने के बाद ही देखिएगा बोलता क्या है कि 30% थ्रेट डिलीट, 70% स्कैन, किसी भी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको स्कैन कर रहा है, ये कर रहा है, स्कैन कर रहा है, डिलीट कर रहा है, माइट एट रिस्क कर रहा है, क्लीन कर रहा है, सारा दिन देखिएगा फोन के ऊपर झाड़ू लगाएगा। कोई भी एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया है देखिएगा करेगा, सारा दिन देखिएगा झाड़ू मारेगा, वो कोई काम का नहीं है। वो क्या सिर्फ आपको जता रहा है, झूठा ही जता रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझको डिलीट मत कर, यही सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको फोन को स्लो करेगा, आपको नेट को वो यूज करेगा, आपको ऐड दिखाएगा, फोन को हैक करेगा, आपको फोन को स्लो कर देगा, डाटा को चोरी करेगा, ये सब करेगा, किसी भी काम का नहीं है। एंड्रॉइड फोन जो है लुमिक्स टर्मिनल के ऊपर बेस्ड है, इसको याद रखिएगा, जिसको किसी भी तरह का एंटीवायरस का जरूरत नहीं है। विंडोज कंपनी जो है उन लोग विंडोज जो कंप्यूटर है उन लोगों को जरूरी है, एंड्रॉइड फोन को किसी तरह की जरूरत नहीं है। टैबलेट बोलिए या छोटा फोन बोलिए या बड़ा फोन बोलिए, किसी भी तरह का एंटीवायरस जरूरी नहीं है। इन बातों का ख्याल रखिएगा तो आप अपने फोन का सबसे बेस्ट एंटीवायरस बन जाइए, तो आप अपने फोन को एक लॉन्ग टाइम तक बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाइएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी फोन यूज करता हूँ, मैंने भी देखिए पहले गलती से एक मेरा माइक्रो मैक्स फोन था वही है, उसको मैंने गलती से जब जानता नहीं था तो गलत चीज़ों को इंस्टॉल कर करके अपने फोन को डैमेज कर दिया पूरा, फिर केयरफुल ले गया तो उसका पूरा सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ा। उन्होंने ही मुझे बोला कि किसी तरह का एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ फेक ऐप को इंस्टॉल मत करो, गलत वेबसाइट पर मत घुसो, चुपचाप निकालिए। और अपने फोन को जब भी देखिए किसी भी अननोन सोर्स, जैसे आप किसी चीज को इंस्टॉल करते हैं तो अननोन सोर्स को ऑन करने को बोलते हैं, ऑन तो करना ही पड़ता है, ऑन करने के बाद उस अननोन सोर्स को ऑफ कर दीजिएगा, ऑफ कर देना बेटर होता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम नेट ऑन करने से आपके फोन के अंदर थ्रेड्स बोलिए या फिर वायरस बोलिए घुस सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, तो अननोन सोर्स को ऑफ कर दीजिएगा ऑल टाइम काम होने के बाद। दोस्तों इस टिप्स को आप लोग फॉलो कीजिए, आप अपने फोन के लिए सबसे बेस्ट एंटीवायरस बन जाएंगे खुद, किसी भी एंटीवायरस ऐप का जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, तो मैं आप लोगों का कोशिश करूंगा हेल्प करने का। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।